हेलो बच्चों, देखिए आज हम जो है अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना बताएंगे। देखिए यहाँ लिखा अशुद्ध है, हाथी दहाड़ रहा है। ये आप गलत है, क्योंकि दहाड़ता तो शेर है, यह हाथी की बात है। इसको हम शुद्ध करेंगे तो यहाँ पर शुद्ध होगा आपका हाथी चिघाड़ रहा है। हाथी चिंघाड़ रहा है तो ये आपका सही होगा। ये दहाड़ जो है ये गलत है आपका, ये चिंगाड़ होना चाहिए, चिघाड़ रहा है। देखिए ये भी आपका अशुद्ध है कि वे लोग कुत्ते की मौत मरे। ये आपका अशुद्ध है। अगर आप शुद्ध करना चाहते हो तो आप देखो क्या होगा, लेकिन यहाँ पर अगर हम शुद्ध करेंगे बच्चों तो यहाँ पर होगा उन लोगों, वे लोग कर दो, उन लोगों को कुत्ते की मौत मिली, उन लोगों को कुत्ते की मौत मिली। यहाँ पर ये सही होगा, कुत्ते की मौत मिली। तो इस प्रकार से आप अपनी हिंदी शुद्ध करें, उन लोगों को कुत्ते की मौत मिली, ये यहाँ पर सही होगा। प्रैक्टिस करने से आप शुद्ध वाक्यों को लिख सकते हो। इसमें लिखा सभा में अनेकों वक्ता थे, तो इसका बच्चों शुद्ध होगा आपका, है ना। सभा में अनेक वक्ता थे, अनेकों नहीं होगा यहाँ पर, अनेक होगा, बाकी सही है आपका। यहाँ देखिए अशुद्ध है ये, रविवार के दिन छुट्टी रहती है। तो यहाँ पर बच्चों जो वार है ना, वार, वार माने भी दिन होता है, और एक दिन और लगा दिया, डबल दिन हो गया, तो ये आपका गलत है। शुद्ध होगा आपका, शुद्ध होगा रविवार को छुट्टी रहती है, रविवार को छुट्टी रहती है, रविवार को छुट्टी रहती है, ये आपका शुद्ध होगा। यहां पर देखिए ये अशुद्ध है, यह गुलाब का फूल है। देखिए इसमें ये, लेकिन ये गलत माना जाएगा, इसलिए हम इसको शुद्ध करते हैं। तो यह लिखो यह फूल गुलाब का है, यह फूल गुलाब का है, इसलिए थोड़ा थोड़ा अंतर हो जाता है तो हम उसको समझ नहीं पाते हैं। यहाँ पर ये सही होगा, ये गलत है आपका। अशुद्ध वाक्यों में ये ज़्यादातर पूछा जाता है कंपटीशन में भी, पेपर में भी, कि आपका भविष्य उज्जवल हो। यहाँ पर ये शब्द आपका गलत है। अगर हम इंटर में नौका विहार पढ़े तो उज्जवल शब्द आया, लेकिन यहाँ पर होगा आपका भविष्य, आपका भविष्य, यहाँ पर वह है आपका भविष्य, और यहाँ पर हो जाएगा उज्ज्वल। दोनों जा जो है आधे होंगे तब आपका ये सही माना जाएगा। यहाँ पर देखिए दोनों वाक्य मिलते जुलते हैं। इसमें है मुझे चाय का गर्म प्याला दो, अभी दूसरा है यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। तो दोनों वाक्य गलत हैं थोड़ा थोड़ा, है ना। तो हम लिखेंगे मुझे, अब चाय का गर्म नहीं है, गर्म चाय का, ये गर्म कर दीजिए आगे, गर्म चाय का प्याला दो, प्याला माने कप, है ना, प्याला दो, ये हो गया आपका। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता, नहीं नहीं ये देखिए उसी तरह से यहां पर भी है आपका, यहां गाय का, यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है। तो थोड़ी थोड़ी गलतियां हो जाती हैं और हमारे नंबर कट जाते हैं, इसलिए इनको प्रैक्टिस हमें करना चाहिए। अब यहाँ देखिए अशुद्ध है, उसे मृत्यु दंड की सजा मिली। दंड और सजा एक ही बात है, इसको दो बार प्रयोग किया गया, तो यहाँ शुद्ध आपका हो जाएगा, आपका शुद्ध हो जाएगा, उसे मृत्यु दंड मिला, उसे मृत्यु दंड मिला, इस प्रकार से वाक्य शुद्ध होंगे। अब देखिए यहाँ पर मृत्यु दंड, दंड शब्द पुरलिंग है, इसलिए इसकी क्रिया भी पुरलिंग होगा, है ना, तो उसे मृत्यु दंड मिला। अब देखिए इसमें लिखा मैंने झूठ बोला, अब इसमें लग रहा है ये सही, लेकिन ये गलत है।
तो यहां पर क्या गलत है? आप होगा मैंने झूठ कहा। भाई झूठ बोला, झूठ कहा, तो ये हमारा शुद्ध होगा और वो हमारा गलत है। इस तरह से बच्चों जब हम अच्छे से अभ्यास करेंगे तो हमारे नंबर अच्छे आएंगे।